अब हम बात करेंगे जो हमारे कन्वेंशनल ऑर्चर्ड्स है जिसमें मॉडिफाइड सैटेलाइट सिस्टम से हमने सेब के पौधे ट्रेन किए होते हैं, उनमें हम काट छांट किस तरह से करें। काट छांट का कोई वैसे निश्चित तरीका नहीं है, अलग अलग शाखा को अलग अलग ढंग से डील करना पड़ता है। हमारा काट छांट से मकसद रहता है कि फ्रूटिंग और वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब बढ़वार और फ्रूटिंग के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करना। कहीं पर हमें हेडिंग बैक करके शाखाओं की ग्रोथ को बढ़ाना होता है और कहीं पर जहां ब्रांचेस बहुत ज़्यादा विग्रसली ग्रो कर रही होती है वहां उनको ग्रोथ को चेक करना होता है ताकि वहां स्पर फॉर्मेशन हो पाए। तो जैसे आप इस पौधे को देख रहे हैं, अगर हमने काट छांट करनी है तो दो तीन बेसिक चीज़ें जो हम ध्यान रखते हैं, एक तो जितनी भी उलझी हुई शाखाएँ हैं या गलत दिशा में निकली हुई शाखाएँ हैं उन सभी को हम निकाल देते हैं। तो जैसे कोई भी एक ब्रांच पकड़ लेते हैं, इस ब्रांच को अगर हम पकड़ते हैं तो अंदर की तरफ को जो शाखाएँ जा रही हैं, जो शाखाएँ हुई है उनको हम पूरी तरह से निकाल देते हैं। ये शाखाएँ हमको नहीं चाहिए होती है जो अंदर की तरफ को गई हैं, इनको हम निकाल देते हैं इस तरह से। अब आगे इस शाखा की तरफ को आते हैं अगर, तो आगे जहाँ पर भी दो हमें मिल रहे हैं, दो आपको नहीं रखने हैं, एक आपको रखना है। अब बात आती है ये है, जैसे स्पर्स इसमें काफ़ी बने हैं पीछे लेकिन आगे ग्रोथ वीक है, तो हमको यहाँ ग्रोथ इसकी बढ़ानी है। वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूटिंग के बीच बैलेंस का मतलब ये है कि पीछे फ्रूट यहाँ चार पांच पर यहाँ बने हैं तो इसके लिए इतने पत्ते आगे होने चाहिए ताकि वो इसको फूड सप्लाई कर पाए, तो यहाँ हमें ग्रोथ की और ज़रूरत है। तो ये एक चौथाई से लेकर आधे तक काटने की ज़रूरत पड़ती है, ग्रोथ कितनी है और कितनी ग्रोथ हमको चाहिए उस हिसाब किताब से। तो ये जैसे हमने काट दी है तो इसको छोड़ दिया हेड बैक करके, अब क्या होगा, इससे ग्रोथ और फास्ट आएगी। इसी तरह से इन सब जगहों पर यहाँ पर हेड बैक करने की ज़रूरत है, अंदर की साइड की ये शाखाएँ निकाल देनी है। इस तरह से हम सारी ब्रांचेस को वन बाय वन पकड़ करके जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से इनको प्रून करते रहते हैं। अब इन सबको हेड बैक, और जब भी हम कट लगाते हैं ये आँख आपकी बाहर की तरफ को होनी चाहिए ताकि ग्रोथ अंदर की तरफ को न जाए। और हमेशा क्या होता है, जहाँ भी हमने कट लगाया है, जैसे यहाँ पे हमने कट लगा दिया है, आपको आमतौर पर तीसरी आँख पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ये पहली आँख जो है कट के बाद की, ये सीधी उसी दिशा में जिस दिशा में ब्रांच पहले थी उसी दिशा में अपराइट ग्रो करती है। दूसरी वो लगभग 75-80 डिग्री के एंगल के साथ ग्रो करती है। थर्ड है जो काफ़ी हद तक ऐसे स्ट्रेट एंगल लेकर के आती है और जिस तरह की हमें ब्रांचेज वहाँ से चाहिए होती है, तो वो एक शाखा है जहाँ से, तो वो आँख आपकी थर्ड आई भी जो है मोर और लेस आउटवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इनको ट्रेन करते चले जाते हैं भाई किस शाखा को निकालना है किसको। और जैसे अब इस तरह से दो हैं तो हमको आउटर ब्रांच रखनी है ताकि पेड़ खुला रहे अंदर से, और इसको हेड बैक कर देना है। इस तरह से निकालते चले जाते हैं जो हमारी अंदर की शाखाएं हैं सारी। इस तरह से आप काट छांट कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं आप, और जो अंदर की दिशाओं में हैं उनको सबको हेड बैक कर देते, क्योंकि इन पर वैसे यहाँ स्पर डॉल्प हुआ है जैसे, लेकिन यहाँ ये छाव में रहेगा, अगर इसके ऊपर फ्रूटिंग होती भी है तो वो आपके फ्रूट क्वालिटी का नहीं बन पाएगा। और इस तरह से जब हमने पिछले साल कोई ब्रांच काटी होती है उसके पास से कई बार झुंड में निकल जाती है, कई सारी शाखाएं होती है, लेकिन इन शाखाओं से भी हमारा इनको बढ़ने के लिए आगे कहीं कोई जगह नहीं है, तो इनको सबको हम निकाल देते हैं। अब इसके अलावा और जो ध्यान देने वाली बात है, इस पर जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनकी लाइफ रहती है 5 से 7 साल तक ये फ्रूटिंग देते हैं, और आमतौर पर ऑन एवरेज 5 साल हम मान के चल सकते हैं। तो ये तो अभी नए स्पर्स हैं सारे आप देख सकते हैं, लेकिन स्पर काफ़ी पुराने, जब 4-5 साल के हो जाएंगे तो पुराने पड़ जाते हैं, तो उनको रिन्यूअल कट से स्पर रिन्यूअल भी हम करते हैं। तो उसमें क्या है, जब हम इन स्पर को यहाँ से अगर काट देते हैं, ये देख सकते हैं ये यहाँ से और आंख डेवलप हो रही है, स्पर फॉर्मेशन हो रही है, ये बन रही है। तो जब ये पुराने हो जाते हैं तो नए, अगर ये नई आंखें फूटनी शुरू हो, नए स्पर बने, तो स्पर रिन्यूअल यानी कि अब स्पर का आधा हिस्सा काट देते हैं। ऐसे अगर हम काटते हैं तो उसे और है स्पर बनते हैं, तो वो फ्रूटिंग एरिया उस ढंग से हम बढ़ा सकते हैं इस तरह से। और जो टूटे हुए हैं स्पर्स उनको इस तरह से काट करके रिन्यूअल हम कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें जिनका हमने ध्यान रखना होता है। इसी तरह से हर ब्रांच को हम ट्रेन करते चले जाते हैं, अंदर वाली शाखाएं निकाल करके बाहर वाली को कन्वेंशनल सिस्टम में, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ भी आपकी चलती रहे कंटिन्यूसली, और ये अंदर की सारी ब्रांचेस
निकाल करके ऐसे काटते चले जाते हैं। हाँ, और हमें क्या है, कई बार जैसे अब ये सही दिशा में है ब्रांच, अब इस पर स्पर्म डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुई है, यहाँ से लेकर ये ब्रांच चली है, हम चाहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ इसकी ठीक है, तो ऐसी ब्रांचेस को हम आउटर पोर्शन में स्पर फॉर्मेशन हो जाए तो एक साल बिना काटे छोड़ सकते हैं। इस बार जैसे हम इसको हेडबैक नहीं करेंगे, ऐसा छोड़ देंगे सही दिशा में, तो ये सारी स्पर से भर जाएगी, लेकिन अगले साल इसकी परिस्थिति लगभग वैसी होगी, ग्रोथ कम दिखेगी, स्पर ज़्यादा दिखेंगे, तब हमको अगले साल अल्टरनेट ईयर्स में हेडबैक करने की जरूरत पड़ती है, एक साल उनको आउटर ब्रांचेज को, ये जैसे इन ब्रांचेज को हम इसको बिना हेडबैक किए भी छोड़ सकते हैं और अल्टरनेट ईयर में फिर उनको हेडबैक कर सकते हैं, और इनिशियली जहाँ ग्रोथ कम है वहाँ हेडबैक करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पर हमको प्रूनिंग करते हुए ध्यान रखना होता है, बाकी तो अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग क्या उसकी परिस्थिति है, क्या ग्रोथ बढ़ानी है, कहाँ ग्रोथ चेक करनी है, तो जब हम हेडबैक नहीं करते हैं तो हम ग्रोथ चेक कर रहे होते हैं, स्पर फॉर्मेशन को बढ़ा रहे होते हैं, और जब ब्रांच का कुछ हिस्सा काट रहे होते हैं यानी कि हेडिंग बैक कर रहे होते हैं तो समझिए कि हम ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं और एक बैलेंस वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्रूटिंग में मेंटेन कर रहे हैं।